अब से ये एक सिलसिला चल रहा है कि 21 अक्टूबर को हमारे यूमी शहदा यानी कि एक मार्टियर्स डे मनाते हैं। जो हमारे मार्टियर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। पहले लद्दाख पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से कोई शहीदों को याद करते हैं, तो अगला जो पुलिस वाले हैं, जवान हैं, उनमें क्या है हौसला अफजाई हो जाते हैं और अगला कोई भी ड्यूटी करते हैं वो दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी खिदमत में आज के इस पूरी परेड के कमान कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद। Their names etched in history speech. फिर से एक बार स्वागत है सभी नाजरीन को कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक पुलिस लाइन यानी कि डीपीएल पुलिस लाइन कारगिल में हमारी टीम मौजूद है, जहां पुलिस कमेमोरेशन डे के हवाले से तस्वीरें जो है बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के इस समारोह में चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल मुख्य अतिथि होंगे और उनके अलावा सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस के आला अहदेदार, आर्मी के आला अहदेदार, LHDC काउंसिल के आला अहदेदार और काफ़ी तदाद में मीडिया पर्सनल्स और पुलिस के बाकी आला अहदेदार जो है आज के इस प्रोग्राम में यानी कि आज के इस पुलिस कमेमोरेशन डे में पार्टिसिपेट करेंगे। पुलिस कमेमोरेशन डे हर साल 21 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है ताकि उन पुलिस ऑफिसरान की याद में जिन्होंने अपनी जान वतन की हिफाजत और अमन व अमान कायम रखने के लिए कुर्बानी की, उनकी बहादुरी और कमिटमेंट को सलूट किया जाता है। यह दिन असल में 21 अक्टूबर 1959 को CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 10 जवानों की शहादत को याद करते हैं जो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया में चीनी अफवाज के हमले में शहीद हुए थे। इस दिन भारत भर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान कमेमोरेशन डे परेड होती है। रेतलेंग सेरेमनी के जरिए शहीद अफसरान को खराज अकीदत पेश किए जाते हैं और रोल ऑफ ऑनर यानी पिछले साल शहीद होने वाले अफसरान के नामों की लिस्ट पढ़कर सुनाई जाती है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि CRPF, BSF, ITBP और स्टेट पुलिस यूनिट की अंदरूनी सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये दिन उन जवानों की अजम और उन चैलेंजेस को याद दिलाता है जो रोजाना फेस करते हैं, चाहे वो दहानतदारी हो या इलाकाई सिक्योरिटी। ये दिन पुलिस अफसरान की अहमियत को मानता है और पुलिस पब्लिक को उनकी खिदमात के बारे में आगाही फराहम करते हैं। साथ ही ये दिन पुलिस वालों के लिए शुक्रिया का इजहार और उनकी रिलेंटलेस सर्विस को अप्रिशिएट करने का मौका होता है। तो कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें जो है नाजरीन आप लोगों तक पहुंचे। फिर से एक बार बताते चलूं कि हमारी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कारगिल यानी कि DPL में हमारी टीम मौजूद है, जहाँ पुलिस कमेमोरेशन डे के हवाले से बराबर तस्वीरें विजुअल्स आप लोगों तक बराह रास्त में पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC काउंसिलर कारगिल और साथ ही साथ SSP कारगिल, पुलिस के आला अफसरान और काफी तादाद में जनरल पब्लिक और मीडिया पर्सनल्स भी आज के इस समारोह में यानी कि आज इवेंट में शिरकत करेंगे। बराबर तस्वीरें बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कारगिल से आप लोगों तक पहुंचाना, आप बने रहे हमारे साथ। Red! Blood
आखुन जाफर, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल. आई वेलकम ऑल अदर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑन दिस ग्रेशियस गैदरिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गैदर्ड हियर टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव पुलिस मार्टियर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ इन सेफगार्डिंग द मदरलैंड. एवरी ईयर ऑन 21st ऑफ अक्टूबर वी सेलिब्रेट पुलिस मार्टियर्स डे in order to commemorate all the bravest martyrs who had sacrificed their life. And this day has been celebrating since 21st of October 1959. We salute the martyrs who have acknowledged the bravery and resilience of our police force. We express our gratitude of the unwavering commitment in protecting and safeguarding our motherland. Sir, aapki khidmat mein आज के इस पूरे परेड के कमांड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद. इस पूरे परेड में कुल 3 कंटेंजनों ने हिस्सा लिया है. पहले कंटेंजन की कयादत एएसआई असगर अली कर रहे हैं. दूसरे कंटेंजन की कयादत एएसआई रिग्जिन स्पेलजोर कर रहे हैं. और हमारे तीसरे कंटेंजन जो कि हमारे लेडीज की है और इस कंटेंजन की कयादत कर रही है लेडी कांस्टेबल मिस हुस्निया बानू. रोल ऑफ ऑर्डर पार्टी परेड पर सामने से धीरे चल. परेड चलो बे चल. डे के ऊपर मैं यहाँ पे आके हमारे चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब का एग्जीक्यूटिव काउंसलर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस के अफसर्स, हमारे मार्टियर्स फैमिली और कारगिल के जांबाज सिपाहियों का खैर मुकदम करता हूँ. आज हम उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को याद करते हैं जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को हॉर्स स्प्रिंग लेक के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. हम उन 10 शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने दुश्मन के सामने जुर्रत का मुजाहरा किया और मुल्क की दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की. आज का दिन हम इन तमाम पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को भी याद दिलाते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए. हम इनकी बहादुरी और खिदमत को हमेशा याद रखेंगे और उनके खानदानों के साथ खड़े हैं. आज हम इन तमाम शहदा का जिक्र भी करेंगे जिन्होंने इस साल हिंदुस्तान भर में अपनी जानें मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान की हैं. ये वो बहादुर सिपाही हैं
जिन्होंने कौम की खिदमत में अपने जानों का नजराना पेश किया। आइए हम इनके नामों को इज्जत व एहतराम के साथ सुने और इनकी कुर्बानी को याद रखें। आंध्र प्रदेश हेड कांस्टेबल जी नरेंद्रा, कांस्टेबल बेली गणेश अरुणाचल प्रदेश, इंस्पेक्टर सोची डान, कांस्टेबल पसंग ढूंढुप आसाम, हवलदार बिमन पुखुन, लास्ट नायक करण शर्मा, कांस्टेबल मिंटू रॉय, कांस्टेबल अदित लंगसे बिहार, सब इंस्पेक्टर सितिबा कुमार। फॉर टुडे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल। शहीद जुल्फिकार अली, प्रेजेंटिंग द ऑनर ऑफ मैटरडम बाय वर्दी एसपी टू द फैमिली मेंबर ऑफ मार्टियर शहीद मोहम्मद रजा। चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। Their names etched in history's page, their bravery in every age, their sacrifice will never fade, their memory forever displayed. We remember their noble deeds, their courage in time of need. May their spirit guide us on to defend our nation till dawn. दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। Kendimi erdim lan.
Bir şey beyt mi yok buyum. Baba bir buçuk. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن honorable executive counselor Kachukero sir ہمارے additional SP مجیب رحمان sir اور DSP نتن جی اور DSP inspectors police کے officers وہ جتنے بھی martyrs کے family کے members بیٹھے ہیں ہمارے police personnel جس میں male female دونوں ہیں آپ سبوں کو السلام علیکم جلے اینڈ جائے ہیں آج ہم سب جو ہمارے مارٹیرز ہیں اور جو 1959 میں ہماری یہاں پہ چائنا کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہمارے پولیس کے پرسنل شہید ہو گئے تھے ان کی یاد میں یہ پولیس مارٹیرز ڈے مناتے ہیں تو آج ہم سب ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو شردانجلی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے ہمارا خاص کر ہمارے یہ یوٹی لداخ کے پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کے مفاد میں کام کرتے ہیں اور ہمیشہ پیپل فرینڈلی رہتے ہیں اور جو بھی جاب رسپانسبلٹی ان کو دیتے ہیں خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پولیس یہاں کے کرگل کے ہیں جس کی قیادت ہمارے ایس ایس پی شری رام جی کر رہے ہیں تو ان کی جو قیادت میں جو ہمارے پولیس فورس ہے وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اور ایک پیپل فرینڈلی ایٹیچیوڈ انہوں نے بنا کے رکھا ہے ہر لوگوں کے ساتھ کہیں سے بھی ہمیں پولیس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملتا ہے کہ ایک پولیس نے کہیں ایسا کام کیا ویسا کام کر کے بول کے تو یہ بہت اچھی بات ہے آج اور ہر وقت ہر لمحے پولیس اپنا سو ویلفیئر کام بھی ہمارے لوگوں کے لیے کرتے ہیں
करते आते हैं और बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी देते हैं कि हमारे पुलिसिंग किसके लिए और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें भी हमेशा हमारे लोगों को जानकारी देते रहते हैं। आज जैसे कि हमारे सब पुलिस स्टेशन पे जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर है या पुलिस पोस्ट पे, वो लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन बना के रखा है, जिससे हमारे लोगों में पहले क्या होता था, पुलिस का नाम सुन के हमारे लोग डरते थे। आप ऐसा नहीं है, आप लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हुआ है। ये हमारे जो ऑफिसर आए हैं और आज जिनकी क़यादत हमारे SSP श्रीराम जी कर रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा भी है कि आज लोगों के साथ पुलिस का एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है। जी, मैं सबसे पहले लद्दाख पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से कोई शहीदों को याद करते हैं, तो अगला जो पुलिस वाले हैं, जवान हैं, उनमें क्या है, हौसला अफजाई हो जाते हैं और अगला कोई भी ड्यूटी करते हैं वो दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। और मेरा भाई जो पिछले साल 2023 सितंबर में ये डेथ कर गए थे, और हाँ गमजदा है, लेकिन फिर भी फ़ख्र की बात है, कोई सही तुमको याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है इस तरह से। और आगे भी हमारे लद्दाख पुलिस को काफ़ी मिलेंगे कि हौसला अफजाई हो जाएंगे और अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी, अगला साल भी और आने वाले सालों में भी इस तरह से ये शहीद दिवस मनाया जाए और हर किसी को ये मौका मिल जाए कि अपना कारकर्दगी दिखाए और अपना ड्यूटी बखूबी निभाए। शुक्रिया। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट थ्रू इंडिया एक बड़ा दिन हम मनाते हैं, ये इसलिए कि हमारे पूरे हिस्ट्री में 1959 से जब हमारे चाइना और इंडिया के बीच में जो चांगथांग एरिया में जब हमारे CRP के जवान शहीद हुए हैं, तब से ये एक सिलसिला चल रहा है कि 21 अक्टूबर को हमारे यूमी शहदा यानी कि एक मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो इसी तरह हर साल की तरह आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कारगिल में भी हम मना रहे हैं, जबकि इसका मेन फंक्शन हमारे UT हेडक्वार्टर लेह में मना रहे हैं। तो हमारे हेडक्वार्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आज के दिन यहाँ पे हमारे इस मौके पर हमारे CG साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम का ग्रेस किया, तो इनके लिए हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये एक्चुअली इसका ये एक मकसद रहता है कि हमारे जितने भी जो सर्विस के दौरान जो हमारे पुलिस एहलकार इस ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए एक याद करने का एक मौका मिलता है। तो हम फ़ख्र से हम जितने भी जो हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल में जितने भी जो हर स्टेट के जितने भी जो शहदा है उनके नाम यहाँ पे हम करते हैं, तो उनके लिए हम इज्जत बख्शते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कारगिल के स्पेशली यहाँ पे दो फैमिलीज है, उनको भी हमने यहाँ पे आज इनवाइट किया, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है जो सर्विस के दौरान उन्होंने मिलिटेंसी और सर्विस में उन्होंने जो हमारे कॉलिक है यहाँ पे शहीद हुए हैं, तो उनको भी हम स्पेशली यहाँ पे हम आज के दिन उनके फैमिली मेम्बर्स को हम यहाँ पे बुलाकर स्पेशल उनको हम इज्जत देते हैं। तो ये एक हमारा सिलसिला चल रहा है, तो ये हमारे लिए जितने भी जो थ्रू आउट इंडिया जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लिए एक फ़ख्र की बात है कि देश के लिए हम यहाँ पे हम शहीद होते हैं, तो ये एक बड़ा एक नमूना हम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। नो, आज आप जानते हैं पुलिस का मार्टियर्स डे है, तो हम हिल काउंसिल की तरफ से और पूरे कारगिल के आवाम की तरफ से जो हमारे मार्टियर्स है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी देश के लिए हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। तो उनको उनके और उनके फैमिली को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने ये हमारे लिए जो कल के लिए अपना आज निछावर कर दिया। तो ये है कि ऐसे जो हीरोज़ जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, हमें हमेशा चाहिए उनके जो दिवस है या जो दिन आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से निभाए मनाए और उनको दिल से खराज अकीदत पेश करने का यही है कि हम पुलिस जो हमारे पुलिस पर्सनल है वो लोगों के साथ
और ज्यादा लोगों के फ्रेंडली लोगों के साथ फ्रेंडली हो और लोगों के जो भी मुश्किलात हो जिसमें पुलिसिंग हो, जैसे हमारे करगिल में आजकल कुछ इश्यूज और जैसे ड्रग मैनस है या बाकी चीज़ का उभर के आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस उनको उस क्रश करेंगे। हम कहते हैं निब देवल इन द बड अभी शुरू में है, तो मुझे उम्मीद है हमारे पुलिस वाले उनमें काम करेंगे और ख़ासकर जो पुलिस जिसका हमारे क़यादत श्री राम जी SSP साहब कर रहे हैं और श्री मुजीबुर रहमान जी एडिशनल SP साहब कर रहे हैं और नितिन जी बाकी DSP साहबन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि करगिल से जो भी समाज दुश्मन जो भी एक्टिविटीज होंगे उनको शुरू में ही क्रश करेंगे और क्रप करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। बाकी जी सर, कल जो साझा हुआ वो चूंकि हमारे जिले के बिल्कुल बॉर्डर पे हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए हमारे पास जितना जितने मजम्मत करे कम है, जितना हम उनके जो ड्रास्ट एक घनौनी हरकत उन्होंने की है मिल्टन ने, हम पूरी उससे हमारे कौंसल हमारे करगिल के लोग लद्दाख के लोग पूरा मजम्मत करते हैं और जो कल शहीद हो गए हैं जिसमें बिल्कुल लेबर्स और डॉक्टर्स कुछ थे जिनका ना किसी चीज़ से लेना देना, हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। अब ये देखिए उनका मज़मूम, ये हरकत देखिए कि ऐसे लोगों को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया जिनका किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कहीं पे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल LG JNK, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर JNK से अपील करते हैं कि इनको जल्द उस पे कटहरे में ला के जल्द और सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए कि आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि ये वाला एरिया आप जानते हैं पिछले दो दहाइयों से भी बिल्कुल पुरामन था, आज ये मज़मूम हरकत हो कराया जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और हमारे श्रीनगर जो लद्दाख के रोड है हाईवे पे तो इस जेड मोड़ के टनल के आसपास ये हुआ है, तो उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और उनके खानदान उनके जो खानदान उनके जो लवाकिन है उनको ताज़ियत और तसलियत पेश करते हैं। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.